गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ तौहीद इंटरनेशनल एकेडमी। टुडे वी स्टडी साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 एंड टुडे टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स एंड व्हाट अबाउट वी ईट देन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फूड्स। क्या हम लोग खाते हैं जिससे जो है हम लोग को सारे क्या हम लोग खाएंगे और क्या हम लोग खाते हैं जिससे हम लोग को जो है सारी चीजें जो है कंपोनेंट जो है जितने फूड की जो है कंपोनेंट्स होती हैं वो हमें प्राप्त होती हैं उनके बारे में जो है हम लोग जानते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते क्या है? फर्स्ट होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड लास्ट मिनरल्स। ये सारे कंपोनेंट होते हैं फूड के और इनसे ही हमें जो है भोजन के सारे जो है आवश्यक जो फैट होते हैं वो सारे जो है मैटर होते हैं वो जो है सारे हमें चीज जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो इन्हीं पांच जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग को जानना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है कार्बोहाइड्रेट्स हमें कौन कौन चीजों से प्राप्त होती हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो प्रोटीन जिससे प्रोटीन प्राप्त होती है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे फैट्स प्राप्त होती हैं, सबका जो है सोर्सेज प्राप्त करेंगे। फिर उनसे जो उनकी जो है लैब से जो है उनकी कमियों से जो है कौन कौन से हमें डिजीज होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। द फूड वी ईट इज मेड ऑफ मोर देन ऑन इनग्रीडियंट्स। द पॉपुलर डिश ही कंटेन्स राइस, मिल्क एंड शुगर। सिमिलरली डोसा इज मेड ऑफ राइस, दाल, ऑयल एंड साल्ट। द इनग्रीडियंट्स ऑफ all such foods items contains components which are needed by our body. These components are called nutrients. यानी कि हमारे शरीर को जो है जितने भी ये components होते हैं ये सारे जरूरी हैं। हमारे body को carbohydrate भी चाहिए, protein भी चाहिए, fats भी चाहिए, vitamins भी चाहिए और minerals भी चाहिए। तो ये सारे हमारे food हमारे लिए जो है ये nutrients का काम करती हैं, हमारे लिए पोषक तत्व हैं, पोषक आहार हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें कौन कौन चीजों से मिलती है? द मेन न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज, जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं ये आपको पता हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमें कौन कौन चीजों से प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें क्यों, व्हाई वी टेक कार्बोहाइड्रेट्स, हमें जो है कार्बोहाइड्रेट क्यों लेनी चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ये कौन सी फूड है इससे हमें क्या प्राप्त होती है? इससे हमें प्राप्त होती है एनर्जी, यानी कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, फर्स्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, पावर देता है। कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये इसमें होता क्या क्या है? तो ये कार्बन होता है इसमें, प्लस हाइड्रोजन होता है, प्लस ऑक्सीजन होता है। ये तीनों मिलकर के जो है क्या बनाते हैं? कार्बो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमें किन किन चीजों से प्राप्त होते हैं? हमें जो है एनर्जी किन किन चीजों से प्राप्त होती है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड्स लाइक राइस, ब्रेड, पोटैटो, रोटीज एंड शुगर। हमें कार्बोहाइड्रेट किन चीजों से प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होता है राइस से, ब्रेड से, शुगर से और पोटैटो से। ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो फूड है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देती है। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स जो है, और तो हम लोग जान गए कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जो ये हमें एनर्जी देता है। एनर्जी किन किन चीजों से मिलती है? तो ये एनर्जी जो हमें राइस से, ब्रेड से, शुगर से, पोटैटो से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है क्या किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? ये कार्बन से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, और प्लस में जो ये ऑक्सीजन है। ये कॉम्बिनेशन जो है, यानी कार्बोहाइड्रेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका फैट्स। फैट्स के बारे में हम लोग जानते हैं।
कि फैट्स क्या है और हमें फैट्स जो है क्यों नेसेसरी है। तो फैट्स आर द एनर्जी रिजर्व्स ऑफ द बॉडी। जो फैट्स होते हैं वो हमारे अंदर में, जो फैट्स होते हैं वो हमारे अंदर में क्या करते हैं, वो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। When the consumes more carbohydrates than are required, our body stores the excess carbohydrates which is not burned as fats and lipids। कह रहा है कि जब हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी को जो है एक्सेस जो हाइड्रोकार्बन, एक्सेस जो है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो ये जितने भी हमारे बॉडी में फैट्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, वो भी हमें जो है एनर्जी देते हैं। तो फैट्स से भी जो है हमें क्या प्राप्त होता है, एनर्जी, इससे भी हमें जो है एनर्जी ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि फैट्स किससे किससे प्राप्त होता है हमें। तो फैट्स जो है वे हमें भेड़ी के बटर हो गया, घी हो गया, नट्स हो गया, चीज हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीजों से जो हमें किन किन चीजों से प्राप्त होता है, तो बटर से, ऑयल से, घी से, इन सभी चीजों से हमें क्या प्राप्त होता है, फैट्स प्राप्त होता है। अब वो जो फैट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वेजिटेबल्स फैट्स और एक होता है कौन सा फैट्स, एनिमल्स फैट्स। तो वेजिटेबल्स फैट्स विच इज फाउंड इन ऑयल्स मेड फ्रॉम प्लांट्स सच एज कोकोनट्स, मस्टर्ड्स एंड ग्राउंड्स, यानी कि इसे ये जो है ये दो दो होता है, एक होता है वेजिटेबल और एक होता है एनिमल, यानी कि एनिमल्स मीन्स एनिमल्स के जो जानवर के जो चर्बी होते हैं वो भी जो है आयल के रूप में काम आते हैं, और वेजिटेबल्स के जो मस्टर्ड्स हो गए, कोकोनट हो गए, या आपको सनफ्लावर हो गए, इनके जो आयल होते हैं वो आपको वेजिटेबल्स फैट्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग जानेंगे अब प्रोटीन के बारे में, कि व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन होता क्या है और हमें प्रोटीन जो है किन किन चीजों से हमें प्राप्त होता है। तो आवर बॉडी इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे सेलों से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। दिस सेल्स आर मेड मेनी फ्रॉम प्रोटीन्स, यानी कि जो सेल्स होते हैं हमारे जो कोशिकाएं हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी जो है सेल से मिलकर बनी हुई है, और ये सेल्स जो है वो प्रोटीन की बनी होती है। When we grow our body needs proteins to make new cells, यानी कि जब हमारे बॉडी को अगर नए सेल्स की जरूरत होती है, नए सेल्स की आवश्यकता होती है, तो जो हम प्रोटीन लेते हैं उन्हीं से नए सेल्स यानी कि प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं। प्रोटीन्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी जो दो तरीके के होते हैं। तो प्रोटीन्स का सबसे पहला प्रोटीन का वर्क क्या होता है, तो प्रोटीन इज कॉल्ड ग्रोइंग प्रोडक्ट, यानी कि प्रोटीन जो होता है वो क्या हम इसको बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये जो हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग का फूड का काम करता है, ये हमारे बॉडी जो होता है उसको जो है ग्रो करता है, उसको ग्रोथ करता है, उसको रिपेयर भी करता है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी जो है दो तरीके के होते हैं, एनिमल्स प्रोटीन्स और प्लांट्स प्रोटीन्स। अब हम लोग जो है जानेंगे कि प्रोटीन्स जो है सबसे पहले प्रोटीन्स मिलता है किससे हमें, तो प्रोटीन्स जो है हमें वो आपको किन किन चीजों से मिलता है, तो दाल हो गया, पल्सेस, मिल्क हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, एग्स हो गए, मीट हो गए, फिशेज हो गए, इन सारी चीजों से जो है हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। तो प्रोटीन्स की कौन कौन से काइंड्स हो गए, एनिमल्स, एनिमल्स प्रोटीन्स और प्लांट्स प्रोटीन्स। एनिमल्स प्रोटीन से कौन कौन चीजों से एनिमल्स प्रोटीन प्राप्त होता है, तो मिल्क हो गया, एग हो गया, चीज हो गया, मीट और फिश हो गए, ये सारी चीजों से हम लोग एनिमल्स प्रोटीन तैयार करते हैं। और प्लांट्स प्रोटीन्स जैसे सोयाबीन्स हो गए, पल्सेस हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, बार्ले हो गया, होल व्हीट हो गया, कॉर्न हो गया, या बहुत सारे ऐसे जो है फ्रूट्स हैं जिनसे जो है ड्राई फ्रूट्स हैं जिनसे हम लोग जो है प्रोटीन प्राप्त करते हैं। प्रोटीन्स जो है कैसे जो है हमारे बॉडी को जो है ग्रोथ करता है, तो प्रोटीन्स जो है प्रोटीन्स आर नोन टू फ्रॉम हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट of the body to another, they also helps in creating antibodies in the body which fights infections and protect the body from disease, यानी कि यह हमारे body में oxygen के द्वारा जो है hemoglobin के द्वारा जो है protein का निर्माण होता है, और यह हमारे protein में antibodies भी तैयार करता है, और वो antibodies जो क्या करता है हमें बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट है हम लोग जानेंगे विटामिन्स के बारे में, कि व्हाट इज, व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स होते क्या है। तो विटामिन्स आर ए ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट्स आवर बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल क्वांटिटी क्वांटिटीज, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो
उन्हें जो है बहुत कम मात्रा में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे भोजन में जो है वो पचाने में या हमारे बॉडी बिल्डिंग में जो है वो हेल्प करते हैं। इफ योर डाइट इज लैकिंग इन एनी विटामिंस वी सफर फ्रॉम शॉर्टनेस डिजीज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि अगर हमारे विटामिंस में बहुत सारे अगर कुछ कोई भी जो है एक अगर विटामिन की कमी हो जाए तो हम लोग जो है बहुत सारे डिजीज से सफर करने लगेंगे। देयर आर अबाउट 20 नोज विटामिन, हम लोग जो है अभी तक जो है 20 विटामिन के बारे में जो है जानते हैं। एट द टाइम विटामिन वेयर डिस्कवर्ड देयर केमिकल कंपोजिशंस वेयर नॉट नोन, हेंस दे वेयर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, साइंटिस्ट नाउ नो देयर केमिकल कंपोजिशंस, यानी कि जब जो है साइंटिस्ट जो है जब विटामिन की खोज किए तो उस समय जो है केमिकल्स कंपोजिशन की जो है जानकारी नहीं थी, तो उन्हें जो है क्या जिससे उनका उन्हें जो है अल्फाबेटिकल जो सिंबल होते हैं केमिकल से उन्हीं से जो है उनको क्या किया गया, उनको डिनोट कर दिया गया। तो यहाँ पे कुछ जो है आपके बुक में विटामिन के बारे में दिए गए, कौन कौन से विटामिन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। विटामिन ए से जो है हमें किन किन चीजों से प्राप्त होती है, तो विटामिन ए जो है हमें मिल्क से, बटर से, एग से, कॉड से, कॉड लिवर से, टोमेटो से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, इन सारी चीजों से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन ए से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें जो है आंखों और चमड़ों के लिए जो है स्किन के लिए और आईज के लिए जो है बहुत नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी, इससे जो है हम लोग क्या सी फूड हो गया कैसे प्राप्त कर सकते थे विटामिन बी को, सी फूड हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, बी हो गया, सीरियल्स हो गया, लीवर हो गया, फिश हो गया, इन सारी चीजों से जो है हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। ये कहाँ कहाँ हमें प्राप्त होता है, तो ये हमें जो है नॉर्मल, ये क्यों जो है हम लोग इसको लेते हैं विटामिन बी को, तो ये ग्रोथ करने में हम लोग को जो है ये हेल्प करता है। विटामिन सी जो है हमें किन किन चीजों से प्राप्त होता है, टोमेटो से, ग्रीन से, लीफी वेजिटेबल से, सिट्रस फ्रूट से, आंवला से, इन सभी चीजों से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। इस तरह से जो है बहुत सारे विटामिन के जो है यहाँ पे दिए गए हैं। मैं जो है आपको एक टेबल बना करके जो है और आपको जो है उसकी जो है फोटो जो है आपको पिक्चर जो है आपको मैं सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं ये लास्ट जो है आपका न्यूट्रिएंट्स है, ये मिनरल्स जो है यानी कि जो खनिज होते हैं जो हमारे लिए जो है ये हम जो है इसको ये हमारे शरीर में भोजन को पचने, भोजन और हमारे शरीर की ग्रोथ करने में जो है ये मदद होते हैं। तो मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट कंटेन सर्टेन एलिमेंट्स, ऑल ऑफ देम हैव पर्टिकुलर फंक्शंस टू परफॉर्म इन बॉडी, यानी कि इनका जो है हमारे बॉडी में बहुत सारा वर्क होता है और सबका जो है इनका अलग अलग वर्क होता है। देयर डिफिशियंसी इन आवर डाइट लीड्स टू डिफिशियंसी डिजीज, बहुत सारे जो बीमारियां जो है हमें इनसे हो सकती हैं। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, हमें आयरन की कमी से जो है क्या होता है ऑक्सीजन की जो है कमी होने लगेगी और जिसे हम लोग जो है मिनी माता के रोग से भी हम लोग जानते हैं। कैल्शियम जो है हमारे दांत और हड्डियों कमजोर हो जाते हैं, तो कैल्शियम जो है हमें दूध से और वेजिटेबल से प्राप्त होता है। फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है मिनरल्स हैं जो हमें हमारे लिए जो है जरूरी होते हैं। तो हम लोग जो है जान चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, अब हम लोग जानेंगे रफिस और डाइट्री फाइबर्स, कुछ ऐसे जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे जो है फूड होते हैं जो हमारे लिए जो है उपयोगी होते हैं लेकिन वो अनडाइजेस्टेड होते हैं। तो रफिस भी वही जो है रफिस होते हैं, जैसे द पोर्शंस ऑफ द प्लांट्स फूड दैट डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ए हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड रफिस और डाइट्री फाइबर्स, यानी कि हमारे भोजन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, दीज आर कॉल्ड रफिस। रफिस आर ऑफ टू टाइप्स, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। रफिस जो होते हैं, एक रफिस होता है जो गल जाता है यानी कि सोल्यूबल होता है, और एक होता है इनसोल्यूबल। रफिस सोल्यूबल रफिस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर इनसोल्यूबल रफिस आर नॉट, यानी कि सोल्यूबल जो है क्या होता है वो घुलनशील होता है और इनसोल्यूबल जो होता है अघुलनशील होता है। तो रफिस का जो है हमारे कौन कौन चीजों से हमें रफिस प्राप्त होता है, तो आपको ग्रेन्स हो गए, कैरोट हो गया, कैबेज हो गया, टर्निप हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, इन सारी चीजों से जो हमें रफिस प्राप्त होता है। वाटर ये भी जो है हमारे कंपोनेंट्स में जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जो है वाटर भी आता है, और वाटर का जो है ये जो है हमारे
बॉडी पार्ट के लिए बहुत ही जो है नेसेसरी होता है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर, हमारे शरीर का लगभग 70% जो है वाटर ही है। वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ, जो हमारा शरीर है उसके हेल्थ के लिए जो है वाटर बहुत जरूरी है। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, इट हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, इट इज नीडेड फॉर वेरियस केमिकल्स रिएक्शंस दैट टेक प्लेसेस इनसाइड आवर बॉडी ड्यूरिंग डाइजेशन। यानी कि पानी जो है, वाटर जो है, कौन कौन वर्क करता है, तो ये सबसे पहले तो ये जो है क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जो है ये बैलेंस करके रखता है। और ये क्या करता है, जितना जो है हमारा खाद्य पदार्थ है हमारे शरीर के अंदर जो है भोजन है उसके अंदर जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है। न्यूट्रिएंट्स और फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, जो प्रोटीन होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, वो जैसे जैसे जो लोग वर्क करते हैं, जैसे जिनका जो रोल होता है वैसे वैसे जो उनके फूड में जो है कंपोनेंट भी होने चाहिए। यानी कि अलग अलग जो है लोग होते हैं उनके अलग अलग जो है कंपोनेंट्स होने चाहिए, अलग अलग उनके भोजन भी अलग होने चाहिए। दैट मींस कि एक अधिक जो है एनर्जी से काम करने वाला आदमी, एक फार्मर जो होता है वो खेतों में जब काम करता है तो उसे जो है ज्यादा करके कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि एनर्जी की भी इनपुट की आवश्यकता होती है। जो छोटे बच्चे, जो छोटे चाइल्ड होते हैं, जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, उन्हें जो है प्रोटीन से जो है, प्रोटीन से भरा हुआ जो है भोजन चाहिए, फूड चाहिए। ऐसे जो है जो डिजीज से जो है घिरे होते हैं, जो डिजीज जो है उनको पड़े होते हैं, जो डिजीज जो है जो इनको जो बीमारियां पड़ी होती हैं उनको जो है आपको विटामिन और आपको मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो है, जो जैसे जो है उनका रोल होता है, जैसे जो उनका वर्क होता है वैसे जो है उनका फूड भी होना चाहिए। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस मीन्स संतुलित आहार, संतुलित भोजन जो है हमारा, जो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होना चाहिए वो सारे का मिक्सर होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए और मिनरल्स भी होने चाहिए। तो बैलेंस, व्हाट इज बैलेंस डाइट, तो ए बैलेंस डाइट फुलफिल्स ऑल द एनर्जी नीड्स ऑफ द बॉडी एज वेल एज मेंटेन्स प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ। यानी कि एक बैलेंस डाइट जो है वो क्या होता है, वो पूरी तरीके से जो है उसमें हर एक चीजें जो है, चाहे विटामिन हो, प्रोटीन हो, वो सारी चीजें जो है इसमें मिली होती है। यहाँ जो है डेली बैलेंस डाइट ऑफ ए 12 इयर्स ओल्ड चाइल्ड, जो 12 वर्ष का अगर एक बच्चा हो तो उसके भोजन में जो है वो कौन कौन सी जो है कंपोनेंट होने चाहिए और कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में जो है होने चाहिए उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है कि सीरियल्स जो है 320 ग्राम से लेकर के 160 ग्राम तक जो है उसको होने चाहिए। यानी कि अगर वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो तो 320 ग्राम से 160 ग्राम जो है सीरियल्स उसको चाहिए। पल्सेस जो है वेजिटेरियंस को 70 ग्राम होना चाहिए और नॉन वेजिटेरियंस को 60 ग्राम होना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स जो है 75 ग्राम होने चाहिए और नॉन वेजिटेरियंस को जो है क्या होना चाहिए, 100 ग्राम होने चाहिए। इस तरह से जो है जो भी जो है बैलेंस डाइट होना चाहिए उसकी जो है एक उचित मात्रा होती होती है जिससे जो है सारे जो है कंपोनेंट जो है उस फूड में जो है नीट होने चाहिए, सारे फूड जो है उसमें जो है मौजूद होने चाहिए। डिफिशियंसी डिजीज, कौन कौन से जो है डिफिशियंट, कौन कौन से जो डिजीज होते हैं जिनसे जो है वो जो फूड के या कंपोनेंट्स, लैक्स ऑफ कंपोनेंट्स के कारण होते हैं, यानी कि भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए या मिनरल्स हो गए, उनकी कमी से जो है, और अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो कौन कौन से डिजीज से जो है हम लोग परेशान हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट लीड्स टू बॉडी वीकनेस, लॉस ऑफ स्टेमिना। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है तो हम लोग को जो है लॉस ऑफ स्टेमिना यानी कि आपको ताकत की कमी होगी और लॉस ऑफ वीकनेस और बॉडी जो है आपका कमजोर होने लगेगा। अगर प्रोटीन्स की कमी होती है तो स्टंट ग्रोथ यानी आपका ग्रोथ जो है सही तरीके से नहीं हो पाएगा।
discolorations of hair, बाल जो है आपके अच्छे नहीं हो पाएंगे, swelling of face, आपके चेहरे जो है धीरे धीरे खराब हो जाएंगे, skin problems, problem जो चमड़ी की problem होने लगेगा, diarrhea हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पेट जो है निकला हुआ पेट निकल जाएगा, आप जो है पतले हो जाएंगे और आपके पेट जो है निकल जाएगा। तो इन चिल्ड्रंस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू सेवरल मैलन्यूट्रिएंट्स एंड डिजीज लाइक पोसियोकर एंड मरास्मस। यानी कि जो छोटे छोटे चिल्ड्रंस होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनमें जो है अगर प्रोटीन्स की कमी होती है तो प्रोटीन की कमी से जो है वो पोसियोकर हो गया या मरास्मस हो गया, ये सारे बीमारी जो है होते हैं। डिजीज ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन्स की कमी से जो है हमें आपको जो है विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी, विटामिन बी टू, लैक्स ऑफ विटामिन बी टू स्किन डिजीज, लैक्स ऑफ विटामिन सी स्कॉर्बी, लैक्स ऑफ विटामिन डी रिकेट्स एंड लैक्स ऑफ विटामिन के हीमोमोर्फस, यानी कि क्लॉटिंग्स ऑफ ब्लड अफेक्टेड, यानी कि ब्लड जो है क्या होता है वो उसका बहाव जो निरंतर बने रहता है, अगर किसी को चोट लग जाती है तो वो ब्लड जो है बहाव पे जमता नहीं। डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, अगर मिनरल्स की जो है कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है हमारे फूड में तो क्या हो सकता है हमें, तो लाइक द विटामिन्स मिनरल्स टू आर रिक्वायर्ड द स्मॉल क्वांटिटीज एंड आर इंपोर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। यानी कि जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम से हमें क्या हो सकता है, ब्रिटल बोन्स, रिकेट्स नामक बीमारी हो सकती है, हड्डियाँ आपकी टेढ़ी हो जाएंगी, आप जो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। फॉस्फोरस की कमी से बैड बोन्स एंड टीथ, बॉडी वीकनेस, कमजोर हो जाएगा शरीर आपका। सोडियम की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस, कमजोर हो जाएंगे आप। पोटेशियम की कमी से मसल्स वीकनेस और पैरालिसिस हो सकता है। आयरन की कमी से एनेमिया हो सकता है। आयोडीन की कमी से गोइटर जो है घेगा रोग भी हो सकता है। और क्लोरीन की कमी से डेंटल डिके, आपके जो है दांत जो है झड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है आज हम लोग क्या पढ़े, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स पढ़े, बैलेंस डाइट पढ़े, और कौन कौन से जो है आपको डिजीज हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन की कमी से, फैट्स की कमी से, विटामिन सी की कमी से, कार्बोहाइड्रेट्स के लैक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है हम लोग को क्या होगा, हम लोग जो है कमजोर हो जाएंगे, उनको वीकनेस हो जाएगा। प्रोटीन सी कमी से हमें पोसियोकर या मरास्मस जैसे होता है। विटामिन ए से हमें जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो बहुत सारे ऐसे विटामिन है, ये सारे जो है विटामिन, लैक्स ऑफ विटामिन से जितने भी डिजीज होते हैं वो, और लैक्स ऑफ मिनरल से जितने भी बीमारियां होती है वो सारी जो है मैं जो है आपको अगले वीडियो में जो है मैं इनका एक नोट्स डायग्राम बना करके और फिर मैं जो है आपको नोट्स नोट करवा दूंगा। ओके, योर चैप्टर इज फिनिश्ड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।